सफर को शुरू करने के लिए बस में बैठ चुके हैं और सबसे पहले हम कंडक्टर साहब से टिकट कटवाएंगे। कंडक्टर साहब, दो टिकट मथुरा कट की बना दीजिए, मेरी और मेरे सहयोगी सुनील कुमार की। तो आप देख सकते हैं टिकट हमारी बन चुकी है और अब हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे। लोगों की राय भी जानते हैं कि आखिरकार 2022 में वो किसे लखनऊ भेजेंगे। ताऊ जी, आप बताइए 2022 में लखनऊ किसे भेजेंगे, क्या मूड बना रखा है आपने? शास्त्री जी कहें, 2022 में हम लोग योगी जी को ही भेजेंगे। अच्छा, इसके पीछे कोई वजह? वजह ये है कि बहुत अच्छी तरह से वो शासन प्रशासन संभाल रहे हैं और एक संत होने के नाते सबका ध्यान रखे हुए हैं वो हर चीज पे। 2022 में किसे लखनऊ भेजेंगे, लेकिन फिर भी बताइए मन में क्या चल रहा है आपके? समाजवादी पार्टी जाएगी 2022 में लखनऊ? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वजह क्या है दद्दू? ये बेरोजगारी और महंगाई। चलिए आप बताइए कि 2022 में लखनऊ किसे भेजेंगे? मैं तो योगी जी को ही देखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइकिल तो पंचर हो चुकी है और उस पे सवारी करने का है नहीं, तो बस एक ही विकल्प, योगी सरकार, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, योगी सरकार। मैडम आप बताइए 2022 में लखनऊ किसे भेजेंगी, क्या मन में चल रहा है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके लखनऊ भेजेंगी? सर, योगी जी को ही ज़्यादा चाहिए। वैसे सब तरह से सेफ्टी है महिलाओं की, उन्होंने अच्छा कानून भी बनाया, योगी जी को ही हमारा मेन मुद्दा है, योगी जी को ही। ने आपको योगी राज में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर आप बताइए 2022 में क्या मूड बनाया है? योगी जी कोई वजह है? गुंडागर्दी खत्म कर दी यूपी से, मेन वजह एक ही सबका एंड। आप बताइए आप किसे भेजेंगे 2022 में? ओनली योगी जी। चलिए आप बताइए। जैन चौधरी पे कुछ है न्यूज़ की है क्या? दो सीट आएगी। लोकल अच्छी पार्टी है लेकिन चौधरी चरण सिंह के ज़माने में अच्छी थी, अब नहीं है। आपने उसके पिता को भी देखा हुआ, उन्होंने भी कभी किसी पार्टी में वो दल बदल हुए हैं। बताओ, जब वो खुद एक जगह टिकते नहीं है तो फिर किसे दें हम? हमारे पास एक ही विकल्प है, योगी जी। चलिए आप बताइए, आप काफ़ी देर से मन बना रहे हैं कि 2022 में किसको भेजें, किसको बताएं, क्या करें, सही बताइएगा। इससे ज़्यादा गिरी हुई कोई पार्टी नहीं, ये लोगों को लालच देती है, किसानों को 2000 किस्त दे करके उनको लोभ दे रही है। मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे काहे अग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा ठंडा रखिए, सुनिए तो सही। आपको सुनिए, काहे इतना अग्रेसिव हो रहे हैं? हमें नहीं चाहिए, एक किलो भी नहीं चाहिए। हाँ बताओ, क्यों नहीं चाहिए? शिक्षा में क्या दिक्कत है? पहले आप क्या देख रहे हैं? चुनावी चकल्ला शुरू हो गई। मोदी जी का, योगी जी का विरोध होते ही चुनावी चकल्ला शुरू हो गई, कोई सपा के लिए, कोई बीजेपी के लिए। शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। मैं कुछ 4 साल पहले आप IAS ऑफिसर थे क्या? हाँ, क्या दिक्कत है आपको? किसान हो? छोटा सा किसान हूँ। हम भी किसान है भाई। अच्छा, कांग्रेस तो 12,000 की बोल रही है। ऐसे तो कांग्रेस भी तो 12,000 की बोल रही है। बोला लालच दे रही है क्या? फिर ये बता, आप ये बोलते हो इसने, इस सरकार ने क्या काम नहीं किया, आप ये बताओ ना। भारत 370 नहीं हटाई इसने, ये बताओ। बीजेपी ने और किसी ने राम मंदिर किसी ने बनवा दिया? बताइए ना, राम मंदिर किसी और ने बनवा दिया? बाहर से लोग नहीं आएंगे क्या उसे देखने? अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, काहे इतना गर्म हो रहा है?